नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु जी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्लीपर मेकिंग बिजनेस है उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, उसका जो गलत पहलू है वो क्या है, और न केवल स्लीपर मेकिंग मशीन जितने भी तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं उनमें क्या दिक्कत आती है। दोस्तों इसमें जो बिजनेस शुरू करते हैं उनके आप बोल सकते हैं 90% बिजनेस जो हैं वो बंद हो जाते हैं, यानी अगर 100% ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे हम बात करें स्लीपर मेकिंग बिजनेस या कोई अदर बिजनेस, उसमें से 90 लोगों के ये बिजनेस बंद हो जाते हैं। क्या दिक्कत आती है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पूरे विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों क्या होता है जब हम कहीं भी वीडियो देखते हैं, चाहे हमारे चैनल पर देखते हैं चाहे कहीं और देखते हैं, और आपको लगता है 20-25 हज़ार में 30 हज़ार में आप स्लीपर यानी जो चप्पलें हैं वो बना सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि आपने पहले बिजनेस नहीं किया हुआ, आपको कोई नॉलेज भी नहीं है कि आप बिजनेस करते कैसे हैं, केवल आपने वीडियो देखा और बिजनेस शुरू कर दिया। वीडियो के नीचे काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि हम सर ये बिजनेस कर चुके हैं, ये बिजनेस बिल्कुल बेकार है, इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल आपने बिजनेस किया होगा और आपको उसमें लॉस भी होगा। लॉस क्यों होता है वो मैं आपको बता दूँ, इसके दो रीज़न हैं। पहले तो पहला रीज़न ये है कि गलत मैन्युफैक्चरर से आपने कोई भी मशीन खरीद ली है। दूसरा रीज़न होता है कि आपने बिजनेस को सही तरह नहीं किया। तो पहले बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में, यानी पहले रीज़न के बारे में। दोस्तों हम जो भी मैन्युफैक्चरर दिखा रहे हैं तो हमारा मोटिव ये नहीं है कि आप उनसे ही खरीदें, आपको जहाँ मशीन सही प्राइस पर मिल रही है, अपने पास मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, आप वहाँ से मशीन परचेज करिए, आप वहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करिए। हम किसी का ही वीडियो तो ही बना रहे हैं जब आपके कमेंट आते हैं, जब आपके कमेंट काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो हम उस टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर देखते हैं, बस अपनी ओर से यही कोशिश करते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर फेक ना हो। फिर भी अगर कोई मैन्युफैक्चरर आपको लगता है गलत है, आपके साथ चीट कर रहा है, तो आप बताइए, हम उनकी जो डिटेल है वो वहाँ से हटा देंगे, और ज़्यादा कंप्लेंट आती है तो हम उनका वीडियो भी हटा देंगे। हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं। और दूसरा हम बता दें, हम किसी भी वीडियो के कोई भी चार्ज नहीं लेते, पूरी तरह फ्री होता है, और ना हम अपनी ओर से कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट बेचते हैं। हमारा मोटिव यही रहता है कि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सही बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब ये रीज़न हो गया कि आपको किसी भी मैन्युफैक्चरर ने गलत मशीन दे दी या गलत रॉ मटेरियल दे दिया, तो पहले तो पूरी रिसर्च करिए कि कौन मैन्युफैक्चरर अच्छा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके बाद ही उससे मशीन लीजिए। दूसरा रीज़न हो गया, आप बिजनेस सही तरह नहीं कर पा रहे। दोस्तों ये एक बड़ी रीज़न है कि आप बिजनेस को सही तरह रन नहीं कर पाते। मान लीजिए आप स्लीपर तो बनाने लगते हैं लेकिन आपने कोई रिसर्च नहीं की। आप मान लीजिए बिहार से हैं, आपने एक बार मशीन वहाँ मंगा ली और आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं दिल्ली से। बिहार और दिल्ली का डिस्टेंस आपको पता है, इतना डिस्टेंस अगर आप कवर करेंगे या ट्रांसपोर्ट से माल मंगाएंगे तो उसकी कॉस्ट वैसी बढ़ जाएगी, क्या आप उस प्रोडक्ट को कम प्राइस पर बेच पाएंगे? दूसरा, कभी आपने मार्केटिंग रिसर्च नहीं की, कभी जाके नहीं देखा कि इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे। मान लीजिए स्लीपर मेकिंग मशीन है, आपने मशीन से चप्पलें तो बना दी लेकिन वो बिकेगी कैसे? जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे बिकेगी कैसे? या आप दोने बनाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, आप सेल कैसे कर रहे हैं। प्रोडक्शन ईजी है लेकिन उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग चार्ट ऑफ है। मैं स्लीपर मेकिंग के बारे में बताता हूँ, जो भी शॉप वाले हैं आप उनके पास जाइए, जो शूज बेचते हैं या स्लीपर बेचते हैं आप उनके पास जाइए, अपना जो प्रोडक्ट है यानी अपने जो स्लीपर हैं उन्हें दिखाइए, उनकी क्वालिटी दिखाइए और मार्केट में क्या चल रहा है। हर जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। बिहार में कुछ अलग टाइप के स्लीपर चलेंगे, दिल्ली में दूसरे टाइप के स्लीपर चलेंगे, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि किस जगह किस टाइप के स्लीपर हैं। दूसरा, छोटी जगह पर लोकल मार्केट लगते हैं जिन्हें हम हट भी बोलते हैं, पैठ भी बोलते हैं, वहाँ आप ये बल्क में सेल कर सकते हैं, काउंटर सेल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे कि ये प्रोडक्ट सेल कैसे होगा, आपके पास तो कोई लेने नहीं आएगा। दूसरा मैं बता दूँ कहाँ गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई महानगर है, दिल्ली जैसा शहर है जहाँ मैन पावर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, अब वहाँ मैनुअल मशीन लगा लेते हैं तो जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा आ जाएगी, यानी मैन पावर काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, यानी एक जो स्लीपर होगी उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, फिर आप उसको सेल कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर रिसर्च करिए कि अगर आप गांव में हैं तो किस टाइप के स्लीपर बनाने हैं, कैसे रॉ मटेरियल आपके पास पहुंचेगा, कैसे आपके नज़दीकी जो सप्लायर है उससे आप रॉ मटेरियल ले पाएंगे, और कैसे आप उन चप्पल को सेल कर पाएंगे। जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट हैं, चाहे आप पेन मेकिंग मशीन ले लीजिए, या हम बोल सकते हैं किसी भी टाइप की फूड से रिलेटेड जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें मार्केटिंग का और रिसर्च का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप
चाउमीन का जो नूडल्स होते हैं वो बनाने की मेकिंग मशीन लगाते हैं और ऐसी जगह लगा लेते हैं जहाँ चाउमीन कोई खाता ही नहीं है, यहाँ चाउमीन के स्टॉल ही नहीं है, तो क्या वो बिकेगी? बिल्कुल नहीं बिकेगी। तो कोई जो वीडियो है एक जगह पे काफ़ी प्रॉफिट दे सकता है किसी को, दूसरी जगह पे किसी का लॉस भी करा सकता है। तो पहले आप सोचिए कि कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको कैसे बेचेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि 25, 30 या 50,000 खर्च करके आप कोई भी इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लें और आपको पता ही नहीं है माल कैसे बेचना है। तो पूरी रिसर्च करिए किस जगह क्या चल रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, किस टाइप के स्लीपर बिक रहे हैं, पूरी रिसर्च करिए और कैसे आप सेल करेंगे। और मान के चलिए अगर आप सेल नहीं कर पाते तो आप किसी भी मार्केटिंग के पर्सन को हायर कर सकते हैं। हर जगह आज के टाइम में BBA और MBA वाले आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब के लिए। आप उनकी भी जो फैसिलिटी है वो ले सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस लाएंगे। आप चाहें तो उन्हें टारगेट पर भी रख सकते हैं, यानी चाहे स्लीपर मेकिंग मशीन है चाहे कोई भी मशीन है, प्रॉपर रिसर्च की आपको जरूरत होगी। लॉस किस बिजनेस में होगा और किस बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा ये काफ़ी हद तक आप पे भी डिपेंड करता है। आप स्मार्ट वर्क करिए और उसके साथ हार्ड वर्क भी करिए। दोस्तों आपको कोई और सुझाव हो आप वो भी वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए। और दोस्तों आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन को आप क्लिक कर लीजिए, तभी हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इसके अलावा आप मुझे फ़ोन करना चाहते हैं तो कॉल मी ऐप के द्वारा वो कर सकते हैं। कैसे कॉल करना है उसका जो डिटेल वीडियो है वो भी हमने नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से सीधे मुझे कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, उस पर भी हम बिजनेस से संबंधित वीडियो समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।